प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि फर्स्ट राउंड जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया है BCC इंजीनियरिंग 2024 का, इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसका BCC बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे डाउनलोड फर्स्ट राउंड पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है रोल नंबर डाल देना है। क्या डालना है? रोल नंबर डाल देना है। जैसे मान कर चलो कि मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ एरर लिख रहा है सिक्योरिटी पिन के रिगार्डिंग। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन वंस अगेन डाल देना है। एंड साइन इन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका OTP आएगा। OTP सेलेक्ट कर लेना है कि ईमेल पे करना है कि मोबाइल पे। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लिक करके OTP कर दिया। अब यहाँ पे OTP जो है आपका बोला जा रहा है, ठीक है। तो OTP जो है आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर कौन सा है, बीच का 4 डिजिट छोड़ के बाकी 6 डिजिट बताया जा रहा है, लास्ट का 3 डिजिट और शुरू का 3 डिजिट बता रहा है कि ये इस नंबर पे आपका जो है जाएगा OTP। तो OTP जो है आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो है टाइमिंग भी चल रहा है। अगर OTP नहीं आता है बाय चांस, तो आपको जो है जो टाइमिंग चल रहा है, इस टाइमिंग को बाद आप रीसेंड कर सकते हैं, दोबारा सेंड जो है कर सकते हैं। एक बार फिर से मैंने जो है रीसेंड कर दिया है OTP का, जो कि टाइमिंग यहाँ पे दे रहा है ना, टाइमिंग आपका आ रहा है। इस टाइमिंग के अंतर ही जो है OTP आपके फ़ोन में जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पे आपको जो है चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है OTP आ चुका है। OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। तो OTP अगर आपका सही रहेगा तो ये लॉगिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो इस पे जो है आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का मैसेज आएगा, जिसमें रोल नंबर और नाम आपका दिखाएगा, जिसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाएंगे एक्टिविटी लिस्ट में, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, विलिंगनेस और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट ऑर्डर। यहाँ पे क्या दे रहा है, इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर सीट एलोकेशन ऑफ राउंड 1, डियर कैंडिडेट, एज पर योर फील्ड चॉइस, यानी जो भी आपने चॉइस फिलिंग फिल किया है उसके हिसाब से इस राउंड में, मतलब जो फर्स्ट राउंड आयोजित कराया गया, इस राउंड में आपको जो है कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। ये अपडेट यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल है। इस तरीके का मैसेज जो है आपको भी आ सकता है। तो आपको इसके बेसिस पे आपको जो है क्या करना है, देखना है जिसको कॉलेज मिला हुआ रहेगा उसको यहाँ पे कॉलेज का नाम देगा कि कितने नंबर वाला चॉइस फिलिंग वाला आपको जो है कॉलेज मिला है। और उसके बाद आपको सबमिट विलिंगनेस पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको जो है देगा कि फ्रीज करना है कि अपग्रेड करना है।
फ्रीज या अपग्रेड जो भी करना है वो चूज कर लेना है। उसके बाद अपग्रेड करना है तो भी और फ्रीज करना है तो भी आप करके डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर जो है ना, सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आप वहाँ से क्लिक करके फिर सीट अलॉटमेंट जो है आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने बताया। तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट का मैंने चेक किया उनका जो है यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं दिया गया है, कोई भी अलॉट नहीं किया गया, तो इनको सेकेंड राउंड में कॉलेज जो है अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है करना है, राइट। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट आपको जो है टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।